हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल PWT में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने चाहता हूं। दरअसल ये सबके साथ होता है और वो है किसी को NCERT पढ़ने अगर नहीं आता है, पढ़ने का इन द सेंस ये नहीं कि आपको वर्ड्स पढ़ने नहीं आ रहे, पढ़ने का मतलब है कि NCERT पढ़ने का राइट वे क्या है, सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो में अगर आप बने रहेंगे अंत तक तो मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा और जिसका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतरीन है। तो दोस्तों, अगर आपको भी अगर NCERT पढ़ने नहीं आता है इफेक्टिव वे से, अगर आपको भी NCERT रीड करने पर याद नहीं होता है, तो आप आज इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि NCERT कैसे पढ़ना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको किस तरीके से NCERT पढ़ना चाहिए और 100% एफिशिएंसी के साथ किस तरीके से आपका जो पढ़ेंगे NCERT वो आपको लर्न भी होगा। यानी कि इस वीडियो में आपको मैं इनडायरेक्टली ये भी बताऊँगा कि मेमोराइजेशन कैसे किया जाता है, अपने थियोरी को कैसे मेमोराइज किया जाता है और ख़ास तौर पर NCERT। जी हाँ दोस्तों, कई बार तो NCERT बच्चों को समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता है? उसके पीछे का कारण है क्योंकि आपको NCERT सही से पढ़ने नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ, आपको NCERT पढ़ने नहीं आता। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको स्पीड से रीड करेंगे, एक होता है रीडिंग, ठीक है, तो आपको रीडिंग करने आता है तो ठीक है, लेकिन जो सही तरीका है, जो इफेक्टिव वे है पढ़ने का NCERT को, आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं आज आपको 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूँगा, यानी NCERT कैसे पढ़ें, ठीक है, हाउ टू रीड NCERT, ठीक है, ताकि पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाए। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके पास NCERT बुक है, अगर वो आपका है तो आप ये करिएगा, नहीं तो अगर किसी दूसरे का लिए हैं तो आप इस फार्मूला को नहीं अपनाइएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, तो देखिए, अगर आपके पास NCERT बुक है तो आप उस बुक में से चैप्टर वाइज पतले पतले ऐसे निकाल के उसमें स्टेपल कर सकते हैं। यहाँ ऐसे ये देखिए, जैसे मैंने एक चैप्टर निकाला है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। यानी कि देखिए, होता क्या है कि कई बार बच्चों को पढ़ते पढ़ते बुक हैवी लगने लगता है, तो उससे भी माइंड डेविएट होता है और वो रख देते हैं जिनको पढ़ने का आदत नहीं है, ठीक है। और अगर आप ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे आप इस चैप्टर को मैंने निकाल लिया है, ये कितना पतला हो गया है, देख सकते हैं आप कितना थिन हो गया है, आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। अगर आप अपने बुक को, पूरे बुक को नहीं कैरी करना चाहते, केवल एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो वो ये ले जाइए। ये है पहला तरीका, ठीक है, लेकिन ये कब करना है, जब आपका खुद का बुक हो तब, किसी दूसरे के बुक पे मत करिएगा, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा, ठीक है, लड़ाई से बचिए, ठीक है, पढ़ाई करना है, लड़ाई नहीं। दूसरी बात, इसका प्रॉफिट क्या है, हमें इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, देखिए एक्चुअली अगर आपके पास एक सिलेबस रहेगा, एक चैप्टर रहेगा, तो आप उस पर फोकस रहेंगे, ठीक है। यानी पहले बुक में से एक चैप्टर को निकालिए जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है, उसको निकाल के उसको देखिए, लाइट वेट हो जाएगा, ठीक है। लाइट वेट हो जाने के कारण आपके पास केवल एक चैप्टर रहेगा, और एक चैप्टर अगर आप उठाएंगे तो ये कई बार बच्चों के साथ होता क्या है कि वो एक चैप्टर को कंप्लीट नहीं करते और दूसरे चैप्टर में बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आप खाली समय में इसको निकाल के अपने क्लासेस में या कहीं भी जा रहे हैं तो इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं, देख सकते हैं, एक पेपर की तरह हाथ में लेके आप अगर ग्राउंड में खेलने भी जा रहे हैं तो ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइट वेट हो गया और आपके पास एक चैप्टर है, तो एक चैप्टर आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको NCERT को कैसे पढ़ना चाहिए, तो मैक्सिमम लोग ऐसे देखिएगा कैसे पढ़ते हैं कि हैव यू एवर वंडर व्हाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव्स बर्थ ओनली टू अ बेबी एलिफेंट एंड नॉट सम अदर एलिमेंट्स, और व्हाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट्स एंड नॉट एनी अदर प्लांट्स। ऐसे क्या आप भी अगर ऐसे पढ़ते हैं तो जरूर बदलिएगा। आपको मैं नया और एक धांसू आइडिया देने जा रहा हूँ कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए, NCERT को पढ़ने का तरीका है, रुक रुक के पढ़िए, क्योंकि हाँ देखिए दोस्तों, आपको साइड बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए NCERT इनफ है, क्योंकि आपके लिए नीट के लिए भी एग्जाम, जो बायोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन NCERT से ही पुटअप होते हैं। तो अगर आपको NCERT पढ़ने आता है और आप सही से पढ़ेंगे तो आप रीडिंग के समय ही
उसको याद कर सकते हैं। तो ये है तीसरा और आखिरी तरीका जो कि बहुत ही इफेक्टिव है कि आपको एनसीईआरटी के लाइन को स्लो और विजुलाइज करके पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा, स्लो रीडिंग एंड विजुलाइज इट। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं ठीक है उस लाइन को आप विजुलाइज करिए। जैसे ये देखिए सही तरीका है पढ़ने का एनसीईआरटी, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़िए, चाहे फिजिक्स पढ़िए, चाहे आप बायोलॉजी पढ़िए, ठीक है हर वक्त ये इफेक्टिव है। कैसे पढ़ना है तो देखिएगा, हैव यू एवर वॉन्डर, एक्सप्रेशन लाइए अपने अंदर, विजुलाइज करिए ठीक है कि आपके साथ हो रहा है या आप ही किसी को पढ़ा रहे हैं। ऐसा विजुलाइज करेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा, क्योंकि विजुलाइजेशन से मेमोराइजेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ठीक है रीडिंग के तुलना में। तो हैव यू एवर वॉन्डर वाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ ओनली अ बेबी एलिफेंट। ठीक है, रुक रुक के पढ़िए, एंड नॉट सम अदर एनिमल, और वाई अ मैंगो सीड फॉर्म्स ओनली अ मैंगो प्लांट एंड नॉट एनी अदर प्लांट। देखिए पिछले वाले तरीके में और इसमें कितना फर्क है। आप अगर स्लो रीडिंग करते हैं तो आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे और आप आसानी से किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था तीन इफेक्टिव वे किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा जाए। और मैं तो कहता हूँ अगर आप किसी भी रीडिंग सेक्टर में, अगर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, अगर इस तरीके को अपनाएंगे तो आप पढ़ते पढ़ते ही याद कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा 100% गारंटी है कि आपके पिछले तरीके को अगर आप रिमूव करके इस नए तरीके को अपनाएंगे, वो भी लास्ट वाला थर्ड वाला जो मैंने अभी बताया कि स्लो रीडिंग और विजुलाइज इट एंड स्लो रीड ठीक है, ये क्या है आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो के लिए आप सभी को धन्यवाद जो अभी तक वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। और हाँ, अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपका अपना चैनल है, लाइक सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे अच्छे वीडियो के साथ आऊँगा। और टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लाऊँगा। और जी हाँ दोस्तों,